And India's foreign exchange reserves rose to a record high for a third straight week. Data from the Reserve Bank of India showed on Friday the country's import cover had hit a new high in the latest reported week. अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। मतलब अगर 10 बिलियन डॉलर को एक फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा। वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और खास तौर पर इतनी कम देर में। जिसको हम कहते हैं वो दुश्मन ममालिक है, वो ये है, वो है हमारा उनसे, ठीक है हमारा इख्तलाफ हो सकता है कुछ पॉलिसी में, लेकिन आज हम इंडिया को देख लें, मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अपनी तालीम के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की। आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में देखें, इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूँ, यहाँ पर हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर गिरा रहा है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, हम तो इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा मुल्क, बहुत छोटी इकोनॉमी। बिल्कुल, देखें तो अगर हम भी ये पैक्ट कर लेते हैं तो हमें सबसे ज्यादा फायदा इसमें ही होगा, हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा हमें उसमें होगा। और जो हमारे कंट्री में जो इन्फ्लेशन आ रही है, इतनी महंगाई ज्यादा आ गई है, उसकी वजह यही है कि हम इंडिया को छोड़ के हम चाइना से या बड़ी दूर से हम जो चीजें मंगवा रहे हैं, इवन कि हमारी छोटी छोटी जो जरूरियात है, डेली यूजेज है, जो हमारी सब्जी कह लें आप, जो डेली हमारी खाने पीने की चीजें हैं, वो अशिया हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। पता क्या है, आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। अगर ये ट्रीटीज जो हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये मुआहदे नहीं करेंगे, तो हाँ जी बिल्कुल, आप ये मुआहदे नहीं करेंगे तो एट द एंड जो है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा है। इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है, सही बात है। हम नुकसान वाली साइड पर हम हैं, ठीक है? है आप जिस मर्जी चीज़ में उठा लें, जिस चीज़ में हम छोटी से छोटी चीज़ ले लें और बड़ी से बड़ी चीज़ ले लें, नुकसान सिर्फ हमारा है। जरा देखिएगा, अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। माय गॉड, एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। हम जो है एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे पड़े हुए हैं, डेट डेट डेट, और वो ऐसे फंसे कि उन्होंने आपको बजट में ऐसे ऐसे टैक्स लगाए कि नानी याद करवा दी सब। हम 93 से 92 से जब पैसों की कमी होती है हम प्राइवेटाइज कर देते हैं, चीज़ें बेच देते हैं, असासे बेचते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी हमने बेचे हैं। PTCL बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो हमने गैर मुल्कियों को दे दिया। क्या पता कि वो कंपनी जो है कल इंडिया ना खरीद ले। नमस्कार दोस्तों, भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज भारत का खजाना अभी तक के उच्चतम स्कोर पर पहुँच गया है। भारत का रिजर्व 690 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत के इतिहास में रिजर्व पहली बार है। अगर 10 बिलियन डॉलर और आ जाते हैं तो 700 बिलियन डॉलर हो जाएंगे, जो कि भारत के इतिहास में सबसे उच्चतम स्कोर होगा। यह भारत की तारीफ की जाए तो उतनी कम होगी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज भी IMF के आगे 7 बिलियन डॉलर के लिए हाथ फैलाए, कटोरा लिए खड़ा है। पिछले दिनों खबर आ रही है कि IMF से 7 बिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान उसके गेट पर कटोरा लिए भीख के लिए कह रहा है। अगर भारत से दुश्मनी पाकिस्तान रखना चाहता है तो वो पाकिस्तान के हित में नहीं है। अगर भारत पाकिस्तान दोस्ती हो जाती है तो पाकिस्तान भी तरक्की की राह पकड़ सकता है। वहाँ झक मारो, वहाँ नहीं जाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री में जाएंगे, वे बोलेंगे हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी आंखें डॉलर को तरसती हैं और हमारे दिल अमेरिका, कनाडा और बर्तानिया के वीजे के लिए धड़कते हैं। एक थ्योरी दी गई है ना कि जब तक ये किसी कंट्री में 5% होते हैं तो बहुत मासूम बन के और बिल्कुल वो करके आपके साथ गुजारा करते हैं, जो जो उनकी परसेंटेज बढ़ती है तो इनका होल्ड बढ़ता है। हर रोज खबर आती है कि किसी 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के लड़के ने जाके तो गोली अपना ऑटोमेटिक वेपन से कुछ लोग मार दिए। बर्दाश्त नहीं कर सकते अब ये कि आपने बहुत बदमाशी कर ली। एक जानेब IMF ने हमारे पांव में जंजीरें डाल रखी हैं तो दूसरी जानेब यूरोपीय यूनियन में GSP+ का स्टेटस हमारे हाथों में हथकड़ियां डाले हुए है, तो सबसे बढ़कर के फेटफ का हथौड़ा
हमारे सरों पर मंडला रहा है। पर हमें चाहिए $7 बिलियन जस्ट, अगर हमें IMF $7 बिलियन नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। एक मुल्क उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया? ठीक है, हालात यहाँ पर होंगे क्या उसके फॉरेन रिजर्व्स ज्यादा नहीं होंगे? ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है इंडिया की? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। उसमें $10 से $12 अरब इजाफा हो रहा है और ये रेगुलर बेसिस पे। ये कोई ऐसा नहीं है कि यार एक दफा हो गया फिर नीचे आ गया फिर हो गया फिर नीचे, नहीं ऐसा नहीं होता। ये continuously it is increasing. मेरे ख्याल में it's a very good sign और very positive sign. हमारी टेलीफोन कंपनी पे कंट्रोल इंडिया या इजराइल का हो जाएगा, लेकिन हमने बेच दिया, डॉलर चाहिए थे बेच दिया। देखिए पाकिस्तान से इस वक्त जनरली इकॉनमी इज मिसिंग, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने अपनी कंट्री से डिपार्ट किए तो पाकिस्तान ने टॉप किया। जिसको आप दोस्त ममालिक कहते हैं वो आपके दोस्त ममालिक नहीं है। मेरी इकॉनमी के सब्जेक्ट के अंदर कभी भी सऊदीया और UAE मेरा दोस्त ममालिक नहीं रहा। मैं मईशत की जुबान में इसको कहता हूँ, दे आर द अमेरिकन एजेंट्स। ठीक है, सो ये जो अमेरिकन एजेंट्स हैं उनके इशारा मिलने के ऊपर वो पैसा आपको रिलीज कर देते हैं, जिस रोल ओवर भी वो उनके कहने पे करते हैं। 1.2 का अगर आपको वो तेल दे रहे हैं, $2 अरब का अगर वो तेल दे रहे हैं इसकी इतनी मालियत का, तो भी वो आपको उनकी वजह से मिल रहा है। सऊदी अरब UAE से आप जाते हैं मांग में, अब वैसे तो कहते हैं दे आर फ्रेंडली कंट्रीज, बट जब वो आते हैं व्हेन इन टर्म्स फॉर नेगोशिएशन, ये चाइना के आपने IPPs लगाए हैं, वो कहते हैं हमें टैक्स फ्री करें जब तक उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ है, हमें रिटर्न जो है मैक्सिमम दें। मतलब आप जो है अगर इस वक्त KP गवर्नमेंट और दूसरे सूबे जो है वर्ल्ड बैंक EDB से बोरो करें 2% पे, 1.5% पे, 2% पे, मैक्सिमम 5% पे, जब वो प्रोजेक्ट लगाने आते हैं वो IRR मांगते हैं आपसे 25-35% के दरमियान, फिर वो ओवर इन्वाइस करते हैं उसको, फिर उसको कहते हैं कि टैक्स फ्री करो, डिविडेंड फ्री करो, रिपैट्रिएशन रियल टाइम पे करो। तो ये दिस इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री डी टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज रिप ऑफ। अब रही बात आपकी IMF, IMF की मोटी मोटी शरायत के अंदर जो थे कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई, तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की रिपोर्ट क्या गई होगी, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को खत्म करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सोशल मीडिया रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।